Good morning, students. Today we are again going to start with the same topic, that is eukaryotic cell. Some of the organelles are left, so we'll be discussing about the organelles such as ribosomes. Then we'll be discussing about cilia and flagella, and after that we'll be discussing about centrosome and centriole. So now let us start with our topic. First of all, we'll be discussing about ribosomes. See, here on the screen you can see ribosomes are actually granular structure which were first observed under the microscope as dense particles by George Palin. देखिए नाम दिया हुआ है 1953 में. जो ribosomes होते हैं वो RNA और protein के मिलके बनते हैं, उन्हीं से मिलके बनते हैं. जो यूकैरियोटिक ribosomes होता है उसको हम ATS कहते हैं, और prokaryotic ribosome होता है उसको हम 70S कहते हैं. यूकैरियोटिक का मतलब यहाँ यूकैरियोटिक सेल्स है, और प्रोकैरियोटिक का मतलब यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल्स है. सिंपल मतलब यह है, इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल द काइंड ऑफ राइबोसोम विच इज फाउंड इज ATS, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल द राइबोसोम विच इज फाउंड इज 70S. नाउ इन द फिगर यू कैन सी, देखिए राइबोसोम्स के दो सब यूनिट होते हैं. प्रोकैरियोट्स में देखिए ये 70S, ये एडिटिव इन नेचर नहीं होता. 50 और 30 मिलकर 70S नहीं बनते, आपको पता है. लेकिन देखो आप यहाँ पे 50S लिखा है और यहाँ 30S लिखा है, तो 50 30 मिलकर 70 नहीं बनते. एक्चुअली ये एडिटिव इन नेचर होता ही नहीं है. S का मतलब जो होता है वो स्वीट बॉक्स यूनिट होता है, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी एंड द साइज ऑफ द पार्टिकल. सो इट हैज नथिंग टू डू विथ आप जैसे कहो कि कंबाइन होकर वो 70S हो गया, ऐसा नहीं होता. कितनी देर में वो सेटल करेगा, उसकी क्या डेंसिटी है, उसका क्या साइज है, इस पर डिपेंडेंट होता है स्वीटबर्ग यूनिट. अब देखिए 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में. ये ऊपर वाला इसका बड़ा वाला सब यूनिट होता है, और नीचे वाला इसका छोटा वाला सब यूनिट होता है. सब यूनिट के फर्दर छोटे छोटे सब यूनिट्स हैं. जैसे 70S में देखिए 5S RNA दिख रहा होगा, 20S RNA दिख रहा होगा. मतलब ये टाइप ऑफ RNA जो प्रेजेंट है राइबोसोम में, राइबोसोम RNA और प्रोटीन दोनों का बना होता है. अब ये दोनों RNA 50S सब यूनिट में प्रेजेंट है. ये जो 16S RNA दिख रहा है आपको, ये 30S सब यूनिट में प्रेजेंट है. ठीक इसी तरह यूकैरियोट्स में देखिए टोटल जो है 80S है. नीचे वाला जो स्मॉलर सब यूनिट है इट इज 40S, बड़ा वाला जो है वो 60S का बना है. अब जो 60S राइबोसोम है उसमें 5S RNA दिख रहा होगा आपको, फिर 5.8S दिख रहा है देखिए, और 28S दिख रहा है. ठीक उसी तरह जो 40S है उसमें 18S दिख रहा होगा देखिए. तो ये RNA जो अलग अलग सब यूनिट में प्रेजेंट होते हैं वो दिए गए हैं इसमें. नाउ लेट अस, ये देखिए यहाँ पे वही डिस्कस कर रहे थे हम लोग, स्वीटबर्ग यूनिट. S stands for seed work sedimentation coefficient. It is indirectly it measures the density and size of the ribosome. 70S और 80S ribosome दो सब यूनिट के बने हैं, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द साइटोस्केलेटन. सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें कुछ प्रोटीन्स फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और वो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो फर्दर दो तीन कैटेगरी के होते हैं. जैसे ये देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसका जो साइज है वो लगभग 25 nm होता है. nm का मतलब नैनोमीटर, 10⁻⁹ मीटर, उसको हम नैनोमीटर कहते हैं. और ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये 8 से 12 नैनोमीटर का, इंटरमीडिएट नाम का ही मतलब आ रहा है बीच के साइज का. और जो माइक्रो फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसका जो साइज होता है वो 7 to 12 नैनोमीटर होता है. ये 7 to 10 है, ये 7 माइक्रो फिलामेंट 7 नैनोमीटर है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स 25 nm है, 25 नैनोमीटर, और इंटरमीडिएट फिलामेंट इसका रेंज है 8 to 12 नैनोमीटर. तो इंटरमीडिएट का मतलब है दोनों के बीच का, माइक्रोफिलामेंट का 7, माइक्रोट्यूबुल का 25 और इंटरमीडिएट का 8 to 12. ओके, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं और इनको कलेक्टिवली हम साइटोस्केलेटन
कहते हैं। इनके कई सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना सेल को, मोटिलिटी प्रोवाइड करना, सेल के शेप को मेंटेन करना, दीज आर द फंक्शंस ऑफ साइटोस्केलेटन। ओके, नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। देखिए जो सीलिया या फ्लैजिला स्ट्रक्चर होता है दैट अराइजेस फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है, और ठीक सेल मेम्ब्रेन के जैसे मान लीजिए कि ये सेल है और ये ऊपर वाला हिस्सा इसका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक नीचे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा, उसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी, और यही बेसल बॉडी गिव राइजेस टू सीलिया एंड फ्लैजिला। तो बेसल बॉडी ये जो पूरा ये स्ट्रक्चर है, जो बाहर का हिस्सा आप देख रहे हो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवलप होता है सीलिया और या फ्लैजिला में, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम एक्सोनीम कोर कहते हैं, AXONEME कोर, CORE या NCERT बुक में दिया हुआ है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का स्ट्रक्चर ये, आप कहीं से भी सीलिया फ्लैजिला को कट करेंगे तो यही स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। नाउ दिस होल स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। अब देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, आप ये देख रहे हो 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये बाहर वाले आपको दिख रहे होंगे, यहाँ ये देखिए ये दिख रहा हूँ, डबलेट का मतलब दो, आप देखो गिन के देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिखेंगे पेरिफेरल रीजन में एक्सोनीम के बाहर वाले हिस्से। इन द सेंट्रल पार्ट यू कैन सी डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, आप देख रहे होगे एक ये है ए और एक ये है बी, इट इज कनेक्टेड बाय अ इंटरमीडिएट ब्रिज विच इज कनेक्टिंग दीज टू माइक्रोट्यूब्यूल्स सिचुएटेड इन द सेंटर। ये जो रेड कलर की शीट दिख रही है इसको सेंट्रल शीट बोलते हैं, ये भी प्रोटीन की ही बनी होती है। अच्छा आप ध्यान से देखिएगा तो इस माइक्रोट्यूब्यूल्स में आप ये हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला ये देखिए ये स्पोक्स है, सेंट्रल शीट और किसी एक डबलेट के माइक्रोट्यूब्यूल को वो ज्वाइन करा रहा है, उसको हम बोलेंगे स्पोक। अब देखो ये आप ध्यान से देखोगे तो इंटर डबलेट ब्रिज भी आपको दिखेगी, दैट मीन्स दो जो डबलेट ब्रिज हैं उनके बीच का ये जो हिस्सा होता है, ये देखिए यहाँ दिया हुआ इंटर डबलेट ब्रिज, दोनों को जोड़ने वाला हिस्सा, वो भी प्रोटीन का ही बना है। ऑल दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, एंड सीलिया एंड फ्लैजिला बोथ आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स एज वेल एज प्रोकैरियोट्स ऑल्सो, and they are responsible for movement and locomotion, as you know. Particles को move करने के लिए या पूरी body को, पूरे organism की body को move करने के लिए, जैसे paramecium में आपको मालूम होगा cilia present होता है, oars like structure present होते हैं, surrounding में movement cause करते हैं जिससे कि cell भी move करे। तो ये basically 9+2 pattern है, आप देखिए 9 बाहर माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए और 2 अंदर डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हो, और ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दिस अराइजेस फ्रॉम बेसल बॉडी। आगे हम बताएंगे बेसल बॉडी इट्सेल्फ अराइजेस फ्रॉम सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, तो आगे उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोसोम, आप ध्यान से देखोगे ये जो अंदर आपको परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इस फिगर में, ये पूरा स्ट्रक्चर तो सेंट्रोसोम है लेकिन अंदर का जो स्ट्रक्चर है ये सेंट्रियोल्स है। यहां से कुछ ये देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स अराइज हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीन के बने होते हैं, और सेल डिवीजन के समय 2 सेंट्रोसोम होता है, एक नॉर्थ पोल पे एक साउथ पोल पे, और वहां से माइक्रोट्यूब्यूल्स वहां अरेंज होते हैं और क्रोमोसोम्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। आप देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, ये पूरा सेंट्रियोल्स का स्ट्रक्चर है जो दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये एक बीच का हिस्सा है, हब जिसको कहते हैं, ये रेडियल स्पोक्स है, ये ट्रिपलेट जो आप देख रहे हो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ये स्ट्रक्चर और इससे पहले वाला जो आपने एक्सोनीम का स्ट्रक्चर देखा था जो सीलिया फ्लैजिला में प्रेजेंट है, बहुत कुछ मिलता जुलता है। ये देखिए ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, 1, 2, 3, और ये फिर फर्दर आपस में कनेक्टेड नहीं है, फिर ये 1, 2, 3 से कनेक्टेड है, ये 9 प्रेजेंट होते हैं ऐसे 9,
और ये सब के सब सेंट्रल हब से कनेक्टेड है। देख रहे हैं आप सेंट्रल हब, ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये रेडियल स्पोक्स, तो ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा जो है वो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है। और अगर आप इसको दूसरे उसमें देखेंगे, ये देखिए यही हम बोल रहे थे, ये देखिए सेंट्रियो सेंट्रोसम, दो सेंट्रियोल्स को मिला के सेंट्रोसम बना, ये भी सेंट्रोसम। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल जो इससे पहले वाले डायग्राम आप देख रहे थे वो एक्सटेंड होके देखिए क्रोमोसोम से कनेक्टेड है, आप देख रहे हो क्रोमोसोम से कनेक्टेड है, यानी कि क्रोमोसोम को ये अलाइन कराता है इक्वेटर पे, ये देखिए इक्वेटर और मेटाफेस। तो कहने का मतलब ये है, ये जितने भी सेंट्रोसम है उससे अराइज होता है ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और ये कनेक्ट किसको करता है, इसको हम स्पिंडल फाइबर भी कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स को, दे आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड दे कनेक्ट दी क्रोमोसोम्स सो दैट क्रोमोसोम कैन बी अलाइंड एट अ पर्टिकुलर प्लेन, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब चलिए होमवर्क डिस्कस कर लें, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, डिफरेंशिएट बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम हम ऑलरेडी देख चुके हैं, डायग्राम रिप्रेजेंटिंग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला हम लोग देख चुके हैं, फंक्शंस ऑफ सेंट्रोसम एंड सेंट्रियोल और स्ट्रक्चर के बारे में भी देख चुके हैं। सेंट्रोसम और सेंट्रियोल का जो बेसिक फंक्शन होता है, इट कैन गिव राइज टू द फ्लैजेला इन सीलिया ऑल्सो, दैट बेसल बॉडी, और बेसल बॉडी फिर किसको अराइज करेगा, सीलिया और फ्लैजेला। मोर ओवर इट इज हेल्पफुल इन द केस ऑफ सेल डिविजन ऑफ सेल्स। आई होप यू लाइक माई टॉपिक ऑफ डिस्कशन टूडे, सेंट्रोसम और सेंट्रियोल फर्दर अगले लेक्चर में और ज़्यादा हम क्लियर करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।